बकरीद को लेकर भागलपुर नगर निगम सभागार में गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह ने की। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों ने बकरीद को लेकर साफ सफाई की व्यवस्था एवं रोशनी और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और कुर्बानी के अवशेष को नष्ट करने के लिए खुले मैदान में बड़ा गड्ढा कराने की बात कही। वहीं नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह ने बकरीद पर्व के पूर्व सभी कार्य पूरा करने का निर्देश स्वास्थ्य शाखा प्रभारी आदित्य जायसवाल को दिया। नगर आयुक्त ने त्यौहार के दिन शहर की विशेष साफ सफाई का निर्देश सफाई एजेंसी को दिया है। बैठक से पूर्व शांति समिति के सदस्यों ने नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह का बूके देकर स्वागत किया। बैठक में नगर निगम के सभी शाखा प्रभारी सहित शांति समिति से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। भागलपुरी साक्षक थाना क्षेत्र यूनियन बैंक के समीप गुरुवार की दोपहर एक युवती सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों की भीड़ जमा होते देख बैंक में ड्यूटी दे रही महिला सिपाही बाहर निकली, जिसके बाद बेहोश महिला पर पानी डालकर उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन महिला नशे की हालत में निकली। लोगों ने बताया कि महिला ने नशे का सेवन किया है, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मी ने घटना की जानकारी डायल 112 को दी, जिसके बाद पुलिस महिला की शिनाख्त में जुट गई। इसी दौरान शिवपुरी कॉलोनी के बुजुर्ग ने महिला की पहचान अपने किराएदार के रूप में की और उसे अपने साथ लेकर घर चले गए। हालांकि महिला की हरकतें देख लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। गिर रही हो तुम? रूम चलिए, मैं जाने देंगे तुमको। अब क्या करके आई हो तुम? आज जाइए बाबा, ले जाइए अभी उसको। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी गांव में दो समुदाय के बीच हुए आपसी झड़प में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक बलराम कुमार ने बताया कि महेशी गांव में दो गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने उसके ऊपर पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गए। वहीं महेशी गांव के मोबाइल दुकानदार मोहम्मद साजन और मोहम्मद कैफ ने बताया कि हमारे दुकान में मोबाइल का चार्जर लेने आए युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद यह विवाद मारपीट की घटना में बदल गया। फिलहाल सुल्तानगंज पुलिस दुकानदार मोहम्मद कैफ और मोहम्मद साजन को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। मोबाइल का दुकान, किस बात का लेकर विवाद हुआ था? विवाद हुआ था दूसरे से हुआ था। हम लोग के दुकान में कस्टमर है, 10 कस्टमर 10 तरह का आता है। चार्जर लिया, चार्जर लेकर के पैसा का बात हो रहा था, तो अगला जो पीछे से आकर के उसको बोल लिया कि मतलब ए छंगुरी, बस इसी बात से विवाद हुआ। फिर वो लोग अपना किया, हम लोग हम लोग इस सब में इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग अपने दुकान से दुकान मतलब मारपीट कौन किया? मारपीट अगला किया, हम लोग इसमें दोनों मिल के किया भैया। हम लोग तो हम लोग बस अपना देखे, ज्यादा विवाद बड़ा, हम लोग दुकान बंद करके। लोग घायल हुए हैं? हम लोग को ये सब कुछ नहीं, हम लोग भिड़े तक नहीं है वहाँ मार में। कौन घायल हुआ, कौन जख्मी हुआ, कौन किसको मारा, हम लोग को नहीं पता। कौन मारा अब हमको नहीं पता, उधर अगला पार्टी झगड़ा हुआ, हम लोग को नहीं पता। हम लोगों को नहीं पता, आप पूछ सकते हैं। सब आदमी को, जितना पार्टी है सबको खड़ा कर लीजिए, बोलिए हम दोनों अगर मारे हैं। अगला पार्टी से भी पूछिए, ये पार्टी से भी पूछिए, हम लोग मारे होंगे तो। हम लोग को घर से बुला के लाया गया है बाबू, घर से बुला करके लाया गया, पूछताछ किया, नहीं तो पकड़ के लेके जाएंगे। हम लोग सही बोल दिए, फिर भी हम लोग को पकड़ के, यही बात लेके विवाद। सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर पंचायत स्थित दौलतपुर गांव के वार्ड नंबर 1 में भीषण गर्मी के कारण पानी की किल्लत गहरा गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा
लागू की गई जल नल योजना बंद हो चुकी है और गांव में लगे चापाकल भी खराब पड़े हुए हैं, जिसके कारण लोग पीने के पानी के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दूर दराज के कुओं से पानी लाने के लिए गांव के लोग विवश हैं। वहीं इस समस्या से निजात के लिए ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित आवेदन भी दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुरुवार को दर्जनों लोग एक जगह इकट्ठा होकर नगर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पानी की समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। पानी इसमें यहाँ से दिया है पाइप, तब से पानी नहीं आया। जल नल योजना वाला नहीं आ रहा पानी। इतना मोटा का पाइप है, एक दिन भी पानी नहीं आया। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार यही है ना, पहले जो ठेकेदार था वो सोनमा, वही जयराम बाबू का लड़का, वही ठीक लगाया है। जल नल कॉलेज में पानी नहीं आता है। पानी नहीं आ रहा है? नहीं। तो कैसे, कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी? बगल में तो यहाँ भी साफ नहीं आता है पानी, तो यहाँ भी साफ नहीं होता है। दूर से पानी लाते हैं? बगल में बोरिंग चलता है। कौन गांव है? दौलतपुर गांव है। सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में बुधवार को नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रावणी मेला 2024 की तैयारियां को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं श्रावणी मेला अवधि के दौरान 3 शिफ्टों में साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने पर विचार किया गया। इसके अलावा पानी टैंकर, ठेला, ब्लीचिंग आदि की खरीद पर भी चर्चा की गई। वहीं श्रावणी मेला से पूर्व यात्री धर्मशाला में रंगरोगन, पेयजल, चलंत शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात कही गई। वहीं स्थानीय पंडों को नगर परिषद द्वारा पहचान पत्र जारी करने और बाहरी पंडों के लिए पूर्व की तरह नगर परिषद द्वारा निर्गत पहचान पत्र जारी करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में नगर उपसभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, संजय चौधरी, सरिता देवी सहित नगर प्रबंधक रवीश कुमार, सफाई निरीक्षक दिलीप कुमार दुबे के अलावा नगर परिषद के कर्मी मौजूद रहे। भारत सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड में जैविक खेती मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ICCOA के डायरेक्टर जयदीप राय, DCM RS तोमर, मैनेजर तेज सिंह, डिप्टी मैनेजर प्रदीप तोमर और खैरिया पंचायत के उपसरपंच फूलो यादव उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के किसानों को जैविक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान किसानों को कम खर्च में आमदनी दुगने करने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। मौके पर तिलकपुर पंचायत के किसान विजय यादव, विभास यादव सहित दर्जनों किसान उपस्थित थे। जैविक किसान मेला यहाँ पर था। हमारे जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के किसान हैं, फार्मर हैं, उनको सबको यहाँ एकत्रित किया गया। जैविक खेती के बारे में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए, मार्केटिंग की विधि समझाई गई, उनको जैविक विधि से कैसे फसल का प्रबंधन करते हैं, मृदा का कैसे प्रबंधन करते हैं, कीड़े और बीमारी को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये सारी विधियाँ उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा समझाई गई। और मार्केट लिंकेज से कैसे किसानों को जैविक उत्पाद को बेच के अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन, ये सारी विधियाँ समझाई गई किसानों को। किसान सुबह से 9:30 बजे से आए थे और बड़ा अच्छा लगा। कहाँ के किसान पहुँचे थे? अपने दोनों ब्लॉक के थे, प्रगति ब्लॉक के और सुल्तानगंज ब्लॉक के। और यहाँ पर किसानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अपने उत्पाद भी जो जैविक पैदा किए वो भी लाए रखे किसानों ने। ये जो मेला लगा है किसानों का, ये किनके द्वारा, किसके निर्देश? ये कृषि विभाग, भारत सरकार की योजना रहती है, इसमें हम एक सहयोगी संस्था है सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। तो कृषि विभाग भागलपुर उसके तत्वावधान के अंतर्गत ही था ये मेला। यहाँ